हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम उदयपुर। तो कैसे आप सब लोग? होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। आज अपन लोग हैं उदयपुर में, और आज का प्लान था कि अपन लोग उदयपुर एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन प्लान में थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे मिल गए अपने वो भाई लोग, अपने दोस्ती है, दिलीप के गाँव से है तो अपने भी दोस्ती है। तो वो लोग बोले कि अपन लोग चलते हैं चित्तौड़, और वो लोग भी अपने साथ ही चलेंगे बाइक बाइक लेके। चित्तौड़ हाँ, महाराणा प्रताप वाली भूमि पे चित्तौड़ जा रहे हैं अभी हम लोग। तो यहाँ से अभी निकलते हैं, और स्टे अपन ने एक दिन और बढ़ा दिया, क्योंकि कल या आज शाम से अपन लोग एक्सप्लोर करेंगे उदयपुर को। प्लान था सुबह 7 बजे का निकलने का, लेकिन अभी ऑलरेडी 8 बज चुके थे, तो अपन लोग लेट। और अभी यहाँ से निकलते हैं फटाफट, और पहुँचते हैं एयरपोर्ट, उदयपुर एयरपोर्ट एक्चुअली, वो जो भाई इनसे मिलते हैं, और फिर वहाँ से निकलते हैं चित्तौड़ के लिए। तो यहाँ से चित्तौड़ लगभग पड़ेगा अपने को 110 किलोमीटर। अभी ब्रेकफास्ट भी करना है, तो चलो मिलते हैं आपको सीधा रोड पे। रुके थे यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए, और ये कृष्णा होटल है, बहुत सही कहता है। तो अपने को मिल गई अपने दो भाई, हरमत भाई और परवीन भाई, यहाँ से अभी हमने कवर कर लिया लगभग 30 किलोमीटर। तो उसके बाद अपन निकलते हैं वापस चित्तौड़ के। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं चित्तौड़गढ़ में, टिकट काउंटर पे। एक्चुअली यहाँ पे नेट नहीं चल रहा था, हम लोग ऊपर की साइड आए, और मेरे पीछे आप देख रहे हो पूरा चित्तौड़ शहर। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं विजय स्तंभ पे, चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर ही बना हुआ ये। तो अभी अपन लोग पहुंच गए विजय स्तंभ, और हमारे साथ है हरमत भाई और प्रवीण भाई। तो ये लोग हैं उदयपुर एयरपोर्ट पे फोरकास्ट डिपार्टमेंट में, और अभी हमारे साथ आए चित्तौड़गढ़ ट्रिप पे। बात करते हैं इनसे, काफ़ी कुछ हिस्ट्री का पता है इनको, भाई गवर्नमेंट जॉब वाले बंदे हैं। विजय स्तंभ बनाया था महाराणा कुंभा ने। हाँ, जो सारंगपुर युद्ध में इन्होंने विजय प्राप्त करी थी, उसके बाद में बनाया है। यहाँ के राजघराने की कुलदेवी का मंदिर, जो कि चित्तौड़ फोर्ट के अंदर ही है, और विजय स्तंभ से जस्ट बैक साइड में आपको ये मिल जाए। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं पद्मिनी महल। पद्मावती मूवी आपने देखी होगी ना, और ये पद्मिनी का महल जहाँ से वो खिलजी ने, मतलब वो देखा था रिफ्लेक्शन से उसका चेहरा, तो इसमें रहती थी रानी। तो अभी फोर्ट में घूमते घूमते अपने को मिले आशीष भाई, और ये आपका नाम राहुल है ना? राहुल। तो ये लोग दोनों साइकिल से चंडीगढ़ से आ रहे हैं, और साइकिलिस्ट है। अभी गोवा जाएंगे, गोवा जाएंगे आगे, इनका गोवा का ट्रिप है भाई। बाइक से नहीं सोचते हम तो, ये साइकिल से जा रहे हैं। इनका भी YouTube चैनल है, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आशीष राव नाम से चैनल। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। तो अभी अपन ने लिया पल्सर NS 200, और जब नई बाइक हाथ लगती है तो पता है ना कितना ज़्यादा मज़ा आता भाई, अल्टीमेट। यह किले की बैक साइड रणभूमि, यहाँ पे जो अलाउद्दीन खिलजी था, वो यहाँ पे एक साल तक उसने डेरा डाल रखा था इस किले को फतेह करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। जैसे बार पूरा ये के उस समय ये नेशनलिज्म था ही नहीं, वो सब अलग अलग अपने देशभक्ति उनमें खूब थी, अपने मातृभक्ति, लेकिन राष्ट्र नहीं था, मतलब राष्ट्रभक्ति। इनको क्या लगता था पता है कि मुगल उनका इंडिया में कोई दूसरा राज्य, चलो वो नहीं, अपने को अपने मेवाड़ की रक्षा करनी है। आज जो चित्तौड़गढ़ देखने के बाद में ये कहावत बिल्कुल सत्य हो गई है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ ही है, बाकी सब गढ़ है। अभी हम लोग पहुंचे हैं कीर्ति स्तंभ, तो ये इसकी हिस्ट्री का मेरे को आइडिया नहीं है। कैसे फोटो खिंचवाती है ये पैर है ना? हाँ, इस पैर को अंदर से ऐसे हाथ से डाले, पीछे ऐसे सपोर्ट करेंगे। ये भाई हमारे छोटे लड़के के बारे में ज्यादा जानते हैं भाई, एक्सपर्ट है ये। देखा यार, मतलब जस्ट लाइव है ना, लाइव देखा मेरा चार से दो। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं स्टेट म्यूजियम चित्तौड़गढ़ पे, और
यहाँ पे आपको लेनी पड़ेगी 10 रुपये की टिकट। एक्चुअली सीन क्या है कि आप जब एंटर करते हो फोर्ट में तो वहाँ पे आपको 40 रुपये की टिकट लेनी पड़ेगी जो आपको पूरे फोर्ट की होती है, और इसके लिए आपको 10 रुपये की टिकट अलग से लेनी पड़ेगी जो आपको मिलेगी यहाँ से। फोर्ट के अंदर अंदर हम लोगों ने अभी कवर कर लिया लगभग 13 किलोमीटर। तो यार चित्तौड़ घूमने के बाद अभी हम लोग फिर से निकल गए हैं उदयपुर के लिए, और अभी थोड़ा रुके हैं चाय कॉफ़ी के लिए। और अपनी आज बाइक्स थी NS 200 और पल्सर 150, तो बजाज की बिना स्पॉन्सर्ड वाली ब्रांडिंग कर रहे हैं अपन लोग। मतलब NS चलाई यार, बहुत मज़ा आया, बहुत तगड़ी बाइक है। तो अभी अपन लोग पहुंचे उदयपुर एयरपोर्ट पे, और यहाँ से अपन लोग बाइक लेंगे अपने प्रवीण भाई और अहमद भाई को, और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे अपन उदयपुर के लिए। तो भाई अभी हम लोग आ गए चित्तौड़गढ़ से वापस, और अभी आए हैं फतेह सागर लेक पे। तो यहाँ का जो भाई रात का व्यू है एक नंबर है। यहाँ पे जो लाइटिंग्स अब पता लग गया उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स क्यों कहते हैं, मतलब अल्टीमेट है। अपन ने ऑर्डर करा है पाव भाजी। यहाँ का जो 4-5 लेक्स है ना, उसके जो नाइट व्यू अल्टीमेट। और यहाँ पे पब्लिक इतनी रहती है ना कि अभी कोरोना के अलावा नॉर्मल डेज में तो यहाँ पे बहुत पब्लिक रहती है, बहुत पब्लिक। अभी भी बहुत ज़्यादा यार, अभी भी बहुत। अपने अदनान ब्रो की तरफ से स्पॉन्सर्ड पार्टी, उसकी सैलरी आने वाली, उसकी एडवांस पार्टी दे रहा भाई। तो अभी अपन लोग भर पेट खा लिया और जाते हैं अभी रूम पे। तो मैं चला रहा हूँ अदनान की स्कूटी, और अदनान लेके गया मेरी पल्सर। Next morning. इससे ऊपर बाइक नहीं जाएगी क्या? तो अभी हम लोग जा रहे हैं करणी माता टेम्पल, और यहाँ पे लगभग आपको मिल जाएगा 500 मीटर तक का ट्रैक। और ये करणी माता के टेंपल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो यार यहाँ पे आने के लिए ना बहुत मेहनत लगती है भाई, रोपे भी बना रखा है, लेकिन यार मतलब रोपे का चार्जेस वगैरह का हमको आइडिया नहीं है कितना क्या है, लेकिन बना रखा है यहाँ तक आता है। और भाई जो ट्रैकिंग है ना एकदम स्टीप है, मतलब दम चाहिए यार ऊपर आने के लिए। और ऊपर आने के बाद जो व्यू मिलता है ना भाई सिटी का, मज़ा आ जाता है, सारी थकान ना दूर हो जाती है आपको। यहाँ से पूरी पिचोला लेक, पूरा उदयपुर सिटी। और तो ये जो आपको सामने दिख रही है वो है पूरी की पूरी पिचोला लेक, और यहाँ पे अपन लोग जा सकते हैं। और वो जो है वो है पूरा उदयपुर शहर। वहाँ पे आपको एक और लेक दिख रही होगी, वो है फतेह सागर लेक, और इस साइड है मंदिर, और वहाँ पे खड़ी है अपनी बाइक। मतलब जो वो आपको छोटे छोटे टेंपल दिख रहे हैं वहाँ पे अपने बाइक पार्क करी, और वहाँ से ऐसे 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 होते हुए यहाँ तक पहुँचे। तो भाई इसका ना एक्साइटमेंट लेवल हमेशा यहाँ रहता है, यहाँ। भाई अब ये कहाँ रास्ता जा रहा है यार, मज़ा तो तभी आता है ना जब हर चीज़ को एक्सप्लोर करें यार, कुछ चीज़ बच जाए तो फिर वो मन में रह जाती है। ये तो सही बात है। तो पिछोला लेक के जो अंदर बना हुआ वो है जग मंदिर, वहाँ पे है सिटी पैलेस, और वो है लेक पिछोला।
पिछोला लेक भी देखो यार, हम लोगों के लिए तो लग रखा है लॉक, और ये बच्चा लोगों को देखो कैसे डाइव मार रहे हैं। तो यार यही था आज के अपने इस व्लॉग में, अपने उदयपुर और चित्तौड़ को पूरा एक्सप्लोर करा, और अभी अपन लोग चलते हैं रूम पे और वहाँ पे करते हैं सामान पैक और फिर निकलते हैं जोधपुर के लिए। मतलब अपन लोग बीच रास्ते में कुंभलगढ़ और हल्दीघाटी को भी एक्सप्लोर करते हुए चलेंगे। तो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।